थी, नैन्सी, नैन्सी से मुझे एक लड़की याद आती है, हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, तो नैन्सी बहुत सुंदर थी वो, शी वाज सो ब्यूटीफुल। ऐसा होता है लाइफ में, क्या होता है ना कि हमको तो पता ही है हम कितने हैंडसम हैं और कितने स्मार्ट हैं, घंट सॉरी कुछ भी नहीं तो हम ना तो हैंडसम है ना स्मार्ट है, और हम, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो बहुत सारे लोग आए थे फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो उसमें नैन्सी नाम की भी एक लड़की थी, हमारे बैचमेट ही थी, एंड शी वॉज सो ब्यूटिफुल, आई मीन पूरा कॉलेज ही शायद लट्टू था, मतलब लड़के स्पेशली, लड़के इसलिए थे क्योंकि लड़कों का तो काम ही होता है लड़कियों पे मरना, और लड़कियां भी उसे देखती थी क्योंकि वो अलग ही लेवल की थी वो, तो पर लड़कियां क्यों देखती थी उस लड़की को वो पता नहीं, पर लड़के देखते थे वो तो पता है कि क्यों देखते थे, तो उसको देख के अंदाजा हो जाता है कि अपने तो औकात की बाहर है नहीं दूर से देख सकते हैं, तो ऐसा होता है, तुम्हें भी फीलिंग आएगी, तुम में से बहुत लोगों को फीलिंग आती होगी, मतलब हर लड़के को भी आती है, लड़की को भी आती है कि अपने तो बस की बाहर, बस का बाहर है ना, स्पेशली लड़कों को आती है, तो अपने बस की चीज नहीं है फिर हम क्या हो जाते हैं, सख्त, एकदम सख्त, सख्त बन जाओ उस टाइम पे, अंदर से पता है अपने बस की बात नहीं है, बट वी वर लाइक हट हम क्यों देखें और पता ये है कि हमारी बस की बात नहीं है, जैसे फीलिंग आती है जब आप बड़े हो जाते हो, तो ये फीलिंग बहुत लोगों को आती है, रिलेट कर पा रहे हो है ना, इस फीलिंग से कौन कौन रिलेट कर पा रहा है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, जब हम ऐसा सोचते हैं हमारे तो मतलब हमारी सोच से परे है वो बात करने से डर लगता है ना, फिर हम सख्त हो जाते हैं, पर ये जरूर है कि लाइफ में ना कभी हार मत मानना, ये मत सोचना कि अपने बिल्कुल बस की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ोगे है ना तो ऊपर वाला, अगर आप मेहनत करोगे तो सब बस की होती है, याद रखना, डायलॉग बोला था ना मैंने एक दिन, क्या बोला था मैंने, बोला था ना ऐसे सबके लिए होता है, तुम लड़की के पीछे भागोगे लड़की पैसे के पीछे भागेगी, तुम पैसे के पीछे भागोगे लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी, सलमान भाई का डायलॉग है, मुझसे बस जोड़ लेना ठीक है।